प्रदेश सरकार के संज्ञान में मामला आते ही 9 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया था। हम लोगों ने तत्काल SIT गठित करके इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की। SIT की रिपोर्ट में जो पुलिस कर्मी और जो चिकित्सक दोषी पाए गए थे उनके निलंबन की कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण को हम लोगों ने CBI को रेफर किया है और मुझे लगता है कि कल रात्रि में CBI ने विधायक को गिरफ्तार भी किया होगा। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और फिर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन। ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के खिलाफ अभियान इसी प्रकार से चलेगा। प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व, हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।